दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही मोस्ट ग्रेट डायनेमिक लीडर टोपाजे चाइबर मिस्टर केबी दुर्गा सर, जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर टीम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइन के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है जो हम सभी पर्ल वाइनर्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो आइए उनको एक एक करके सुनते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने टीम में शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। और मेरा भी मानना है कि पर्ल वाइन प्रेजेंट टाइम में भी बात किया जाए या पास्ट में भी बात किया जाए या आने वाले फ्यूचर में बात किया जाए तो पर्ल वाइन एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है और रहेगा। अभी तो इसने जर्नी स्टार्ट की है, अभी तो कुछ बड़ा ही नहीं है, फिर आने वाले समय में ऐसा रूप धारण करेगा कि पूरी दुनिया देखते रह जाएंगी और पर्ल वाइन रूपी मय में जो है पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाएंगी और इसे हम देखेंगे 2025 तक बहुत बड़े रूप में देखेंगे। पर्ल वाइन की पहली खुबी की मैं बात करूं तो पहला इसका अमेरिका से रजिस्टर्ड होना, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जितना भी उस सराउंडिंग में देखा था इंडिया के माहौल इतना गंदा था। हर कोई कंपनी आ रही थी, पूरा सर्टिफिकेट दिखा रही थी, अपना ऑफिस दिखा रही थी, प्रोडक्ट लेकर आ रही थी, लेकिन लूट लूट करके पूरा पैसा लेकर के चले जा रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था उस पूरे हेड में भी। बहुत लोगों ने MCA सर्टिफिकेट लेकर के आए, हजारों की संख्या में, कुछ एक महीना, कुछ दो महीना, कुछ छह महीना, कुछ एक साल का टारगेट ले लेकर के आए और लूट लूट करके लेकर के चले गए। कोई ROI डेली बेस में, कोई वीकली बेस में, कोई हाफ मंथली, कोई मंथली बेस में ROI दे दे करके लोगों ललचाते चले गए और पैसा लूट लूट करके लेके गए। और जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हाथ है और आप लोगों सभी को पता है, ठीक है। तो इन सब से मैं बहुत ही दुखित था और इसका अमेरिका से रजिस्टर्ड होना है मेरे लिए बहुत, मैंने तो उसी समय ठान लिया था कि ये सिस्टम जो भी है इंडिया से कभी लॉन्च होगा तो मैं जीवन में कभी अटेंड नहीं करूंगा, मैंने पूरी तरह से कमिटमेंट कर लिया था। और सौभाग्य से ये अमेरिका से इसका रजिस्टर्ड होना मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट था क्योंकि मैंने सुना है अमेरिका से जो भी सिस्टम यदि जेन्युइनली रजिस्टर्ड होता है तो 100 ईयर्स तक उसका बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कोई मालिक नहीं है क्योंकि अभी तक जितने भी थे कंपनी के मालिक थे और उन मालिकों के लिए हम काम करते थे और हमें रिटर्न जो भी मिलता था 10% 15-20% और इन मालिकों के पास हमारा पैसा जाता था तो इनकी नियत खराब होने में कोई देर नहीं लगता था। कोई भी सिस्टम हो जहां पर किसी मालिक के पास यदि हमारा पैसा जाएगा तो वहां 100% गारंटी से बोलता हूं वो निश्चित ही बंद हो जाएगा। लालच और फॉरेन की लॉबी तो बहुत बड़े रूप में चल रही है, बहुत बड़े रूप में। ऐसे पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल आए, जिसमें फ्यूचर नेट की बात करो, एड बैंक की बात करो, इवन स्काईवे की बात करो, सोलर प्लान के पैनल की बात करो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए जिन्हें पैसा कलेक्शन किया, डेमो दिखाया, लॉलीपॉप कमाया हमें और पैसा लूट लूट करके लेके गया। आज भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहे हैं जो आपको डेमो दिखा रहे हैं और लॉलीपॉप थमा के कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़े रूप में और हम में से कुछ लोग लीडर ऐसे हैं जिनके पागलपन की वजह से कई लोगों का पैसा डूबता है और वो तो खुद अपना डुबाते हैं, अपना समय भी डुबाते हैं, समय वेस्ट करते हैं और लोगों का भी डुबाते हैं और इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं कि हम नए नए आए हैं, हमारा ID लग जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा तो हम पूरे अपने टीम में जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व कर देंगे और बड़ा पैसा कमा लेंगे। तो साथियों ऐसा होता नहीं, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में एक जुदा कॉन्सेप्ट है। ना यहाँ पर किसी मालिक के पास में पैसा जमा होता है ना किसी सिस्टम, और ऐसा एक सिस्टम है ये हमें मिला जहां पर खुद हमें को ऑनरशिप दिया है और इसकी सोच का निर्माण जो है आगे मैं बताऊंगा ये हुआ। यहाँ पर हमें को ऑनरशिप दिया, सिस्टम हमें दिया, एक फ्रीडम दिया सिस्टम ने। यहाँ कोई ROI नहीं होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, यदि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होता तो मैं नहीं करता, ROI प्लान को भी मैंने दूर से हाथ जोड़ लिया था, नमस्कार कर लिया था क्योंकि यहाँ पर ROI नहीं है। यदि ROI रहता है तो उस मालिक के ऊपर, उस सिस्टम, उस कंपनी के ऊपर जो है लायबिलिटी बढ़ते चली जाती है
और एक समय से बंद करना ही पड़ता है, इसलिए इसे मैं पसंद नहीं किया। चौथी बात, यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला ऐसा सिस्टम रहा जहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी विद इन माइक्रो सेकेंड में। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो दुनिया का ऐसा अजूबा सिस्टम रहा यहाँ पर कि काम करो तो भी पैसा, ना करो तो भी पैसा, ऐसा ये सिस्टम है जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया इन्वेंशन लेकर गया ऑटो पुल के माध्यम से, जहाँ पर कुछ वर्किंग लोग जो करते हैं उसका एक इंसेंटिव निकाल करके नॉन वर्किंग लोगों को भी और वर्किंग लोगों को भी, जो लोग अकाउंट खोलते उसमें बांट दिया जाता है एक इंसेंटिव को, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। ये सिस्टम लॉन्ग टाइम चलने वाला है और लोग इसमें आते चले जाएंगे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है साथियों। तो ये कुछ खूबियां इस सिस्टम की रही है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं, पहली बार मैंने सुना कि ये सिस्टम अपने आप में एक हाईली सिक्योर सिस्टम है और एक डिजिटल वॉलेट को लेकर करके आया है, जैसा कि हमारा फोन पे, गूगल पे आप वॉलेट देखते हैं, लेकिन वो सब इंडिया में चलता है, लेकिन हमारा ऐसा डिजिटल वॉलेट है जो पूरी दुनिया में चलता है और पूरी दुनिया में चलता है। और ये वॉलेट जो है आने वाला 100 से 150 साल तक ये चलने वाला वॉलेट है, क्योंकि समय के अनुसार चेंज होते रहता है। यदि बात करें तो हर एक मुद्रा जो है अपने बार्टर ट्रेड के बाद में, टोकन ट्रेड के बाद में जो है, आप देखे कागज के कॉइन देखे, जैसे कॉपर के कॉइन है, मोबाइल जो है वही एक बैंक के रूप में काम करेगा और ये एक एडवांस जमाना है, ठीक है। और एडवांस के साथ हमेशा हमें चलना चाहिए जैसे जैसे अपग्रेड सिस्टम आता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपग्रेड नहीं किए, कहाँ गर्त में चले गए, आज नाम भी कोई लेते नहीं है। तो ऐसा हाल जो है होता है। तो जितना लोगों ने एडवांस सिस्टम को अपनाया उन्होंने बहुत बहुत बड़ा पैसा बनाया, हम बड़ा से बड़ा पैसा बनाएंगे पसंद निश्चित है साथियों। और यदि बात करें तो ये सब खूबियां पर्लवाइन में है कि जिसका अपना सिक्योर सर्वर है, ओन सर्वर है, ओन डोमेन है, ये भी पहली बार किसी सिस्टम के साथ हुआ, क्योंकि अभी तक हमने देखा था गूगल और फेसबुक का ही सुनते थे, लेकिन एक ऐसा MLM इंडस्ट्री में नए नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एक ऐसी सिस्टम है जिसका अपना खुद का सर्वर और खुद का डोमेन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही। क्योंकि इंडिया की बात किया जाए तो हमारे यहाँ पर खुद का डोमेन, खुद का सर्वर किसी का भी नहीं है। हमारे SBI पुरानी इतनी बैंक है लेकिन वो भी लीज पे चलती है, ठीक है साथियों। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी रही। और ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि आप देखते हैं कि यदि हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में हमें तो काम करना ही पड़ता है, एक और रिटर्न्स कितना मिलता है, काम अपने मालिक के लिए करते हैं और हमें जो रिटर्न्स मिलता है ओनली 5% का इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो 5% से हम हमारी लायबिलिटीज ठीक खाली पूरी कर पाते, लेकिन हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने को नहीं पूरा कर पाते ना हम देख पाते हैं। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हम काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते, घर घर प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें जो मिलता है 15-20% का ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और बाकी का जो है हम उन 2% लोग जो कंपनी लेवल पे रहते हैं, कंपनी मैनेजमेंट के साथ में रहते हैं, उन लोगों को जाता है और हम उनका चेक दिखा दिखा करके बिजनेस करते हैं, लेकिन हम जैसे कि वैसे ही रह जाते हैं। क्योंकि मैंने 20-20 साल से लोगों को देखा है जिन्होंने काम किया, आज भी है, जय GTG है, कोई उनका लेवल ऊंचा उठा ही नहीं है, बड़े से बड़े लीडर को मैंने देखा है। लेकिन पर्लवाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, वो भी विद इन माइक्रो सेकंड में। एक ऐसा सिस्टम है जहां काम आप अपने लिए करते ही करते हैं, लेकिन सिस्टम यहां पर आपके लिए काम करता है, आपकी लाइफलाइन आपके लिए काम करती है। और कहां पर कौन अकाउंट खुलता है, कहां पर कैसे खुलता है, तब आप विद इन माइक्रो सेकंड में सिस्टम जो है यहां पर बांट देता है आपको।
इसीलिए ये बेस्ट प्रेजेंट टाइम में है, और जो भी प्लानिंग इसको करेगा वो बहुत ही बड़े रूप में जाएगा। और हमारे बीच में कई लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा तो यहाँ पर बहुत बड़े रूप में बनाया, कभी पैसा बनाया नहीं था, कभी पैसा बनाया नहीं था, लेकिन एक साल में इतना पैसा बना लिया, उनकी आशाएं बहुत सारी बढ़ गई और वो पैसा जो है इधर उधर ने यूटिलाइजेशन में लगा दिया और कंटिन्यू बड़े रूप में आएगा अगर सोच के। लेकिन लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई जिसने हर बिजनेस को, हर धंधे को चौपट कर दिया, और यदि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा बिजनेस कहाँ से बढ़ेगा, इस चीज को भी उन्होंने भापा नहीं, और जो है यहाँ के जो मंदी थोड़ी सी आई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जबकि सिस्टम अब बिजनेस बहुत अच्छा है, आज भी जो प्लानिंग करके चल रहा है वो इसमें बड़ा पैसा पीट रहा है और पीटेगा ही पीटेगा, और बना रहा है या तो परलो ने कैसा सिस्टम है जहां कमाना नहीं बनाना है। यदि इतना जबरदस्त सिस्टम, नेवर एंड प्लेटफॉर्म, हर किसी को, कभी तक हमने किसी भी सिस्टम में देखते थे यदि नौकरी करते हैं किस लिए करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी इसलिए करते हैं सिक्योरिटी, टाटा बिरला अंबानी गिरी यहां हम नौकरी करते हैं ओनली सिक्योरिटी, भले हमें कितना पैसा मिल रहा है क्या मिल रहा है उसको हम लोग नहीं देखते, लेकिन सिस्टम परलोइन सिस्टम ने भी आपको फ्रंट में ही हाईलाइट कर रहा है विल नेवर एंड प्लेटफॉर्म, परलोइन विल नेवर एंड मतलब 100% सिक्योरिटी। और हर लीडर को चाहिए ओनली 3 साल एक बड़ा अर्निंग्स करने के लिए, अपनी पूरी लाइफ टाइम को सिक्योर करने के लिए मात्र 3 साल चाहिए, और परलोवन विल नेवर एंड प्लेटफॉर्म ये खुद हाईलाइट करता है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है, यदि हम टाटा में काम करके अपने आप को सिक्योर मानते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में करके सिक्योर मानते हैं, तो यहां पर भी अपने आप को सिक्योर मानना है, अपनी टीम के साथ काम करना है, टीम कमा रही कि नहीं कमा रही इसे देखना है, तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस कहां से बढ़ेगा यदि हम अपने लाइफलाइन को नहीं देखेंगे, तो लाइफलाइन यदि कमा नहीं रही है उसका कारण क्या है, उनके साथ हम संयोजन नहीं कर पाएंगे तो यहां नहीं बना सकते। और परलोवन एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 1000 डायरेक्ट भी मार ले, यदि आपका टीम वर्क यदि नहीं हुआ तो आप वहां कमा ही नहीं सकते। तो ऐसा ये बिजनेस है विल नेवर एंड। पहली बात, विल नेवर एंड क्यों कहा जाता है, यहाँ पर क्राउड फंडिंग, और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ की 130 करोड़ की आबादी है, 1 रुपया भी यदि निकलता है तो 130 करोड़ जाता है, और कितने घर उसमें आबाद होते हैं आप सोच सकते हैं, लेकिन यह गवर्नमेंट इसे भरी बाती जानती है इसलिए बढ़ाते रहती है। तो वही क्राउड फंडिंग हमारे यहाँ पर भी है, जब तक पब्लिक इसके साथ है, क्राउड सिस्टम के साथ है, तब तक सिस्टम को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा सिस्टम है जहां डोनेशन है, और जितना बड़ा डोनेशन जो करेगा उतना बड़ा रिवार्ड भी हो पाएगा। दूसरा चीज, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, जहां पर थर्ड पार्टी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां थर्ड पार्टी का किसी का कोई रोल ही नहीं है, ना बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ना किसी का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हो सकता है इस सिस्टम में। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है, और पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज आप लोग देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बीटीसी की बात किया जाए, उसका मालिक कौन है, कौन किसको मालूम नहीं, संतोषी नागामति कौन है पता नहीं, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के चलते वो सिस्टम को आज लोगों ने और कई कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, और आज एक तूफान में है, एक तूफान में। उसी तरह परलोवन भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, धीरे धीरे लोग इसे अपनाएंगे और धीरे धीरे सिस्टम ग्रो होते चला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा पावरफुल ये सिस्टम भी बन जाएगा, अभी तो ये बच्चा है। तो ये कभी भी विल नेवर एंड प्लेटफॉर्म है साथियों। सक्सेस कैसे चाहिए, सक्सेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सक्सेस के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कंटिन्यू रन ऑन द पाथ, सेम पाथ, आपको एक ही पथ पर कंटिन्यू चलते रहना पड़ेगा,
तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। दो नाव में सवार होकर के आप अपनी नैया पार नहीं कर सकते, बीच में डूबना डूबना निश्चित है, 100% निश्चित है। और जो लीडर सोचता है कि मैं इसको भी करूंगा उसको भी करूंगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं 100% गारंटी से कहता हूं कभी भी वो सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है आपके पास में कि एक ही नाव में सवार होकर के नैया पार कर सकते हैं। तो आपको सेम पाथ में चलते रहना पड़ेगा, और जो भी बड़े बड़े व्यक्ति बने, बड़े बड़े लीडर बने, वो एक ही नाव पे सवार होकर के चले, आज सक्सेसफुल व्यक्ति है, सक्सेसफुल लीडर है। आप बीच में किसी किसी को, टीम को डिस्टर्ब करेंगे, बीच में गिरेंगे, फिर से नई तैयारी करेंगे, वहां पर अपना समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे और अपना इमेज भी खराब करेंगे। तो ऐसा ना करते हुए परलोइन ऐसा एक सुनहरा सिस्टम मिला है, इसमें आप ईमानदारी से काम करिए, नई नई स्ट्रेटजी बनाइए और सक्सेस होइए, 100% यहां पर हो जाएंगे। दूसरा चीज पेशेंस, हर सिस्टम के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। यदि सक्सेस पाना है तो पेशेंस का बहुत बहुत जरूरी रोल होता है, और ये पेशेंस एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं आता है, इसके लिए कई कई साल लगते हैं, कई कई संघर्ष आपको लगता है, कई पैसा भी जाता है, कई फेलियर भी आपकी इसमें रहती है। और मेरा तो सीधा सीधा मानना होता है कि फेलियर इज द ट्रू स्टेप फॉर द सक्सेस। यदि जो व्यक्ति फेलियर का स्वाद नहीं चखेगा वो कभी सक्सेस का मजा ले ही नहीं सकता। और फेलियर से मैंने बहुत सीखा और उसी को मैंने सीढ़ी बनाया, और आज सक्सेस की सीढ़ी चल रहा हूं और सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूं और सफल हो चुका हूं। तो यही बात होती है पेशेंस। यदि मारवाड़ी लोगों से पूछिए, गुजराती लोगों से पूछिए, 20-20 साल ऐसे थे हमारे गांव एरिया में आए, 20 साल 30 साल पहले आए, जहां पर पूरा जंगल हुआ करता था, वहां पर डेरा डाले, अपने साथ कुछ परिवार को लेकर गए, और आज वहां पर बड़े बड़े टाउन बन गए। उनका 20 साल 30 साल का वो विजन था, स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, पेशेंस का साथ जमे रहे और आज सफल है, वहां के रईस व्यक्ति में आते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि हम में पेशेंस नहीं है, नए लोगों में पेशेंस नहीं है, तो वो ऐसे एक्टिव अप्लाई उनके जो है उनके सानिध्य में रहे, इनके इसमें पेशेंस है, वो उनके पेशेंस के साथ उनका यूटिलाइज करे, उनके सानिध्य में रहे, उसको माने, तो हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। तीसरा चीज यहां पर नॉलेज, नॉलेज की हर जगह जरूरत पड़ती है साथियों। सक्सेस होने के लिए यहां पर भी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। यदि हम पहली से लेकर के, यदि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, पहली से लेकर 23 साल का क्लास का एजुकेशन लेता है, तब जाकर के डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इसके लिए कितना पेशेंस रहा आप सोचिए। 5 क्लास से 23 क्लास, लगभग 20 साल का पेशेंस, कंटिन्यू वही रूटीन रूटीन रूटीन, सेम चीज सेम चीज सेम चीज सेम चीज करते चले गए, अपग्रेड एजुकेशन करते चले गए। पेशेंस का जरूरत पड़ता है, यानी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर भी हमें नॉलेज की जरूरत है, हमारे लोगों को नॉलेज देने की जरूरत है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नॉलेज आपको यानी यूट्यूब के वीडियो से मिलेगा, आपको सेमिनार मीटिंग से मिलेगा, फिर ट्रेनिंग मीटिंग से मिलेगा, अपलाइन के सानिध्य से मिलेगा, आपको जूम मीटिंग से मिलेगा, आजकल तो टेलीग्राम में भी हो रहा है, गूगल मीट में भी हो रहा है, यहाँ से मीटिंग से आपको मिलेगा। और नॉलेज को लेकर के हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस नॉलेज को अपनी टीम में परोसना है, टीम मेंबर को, लाइफलाइन को सिखाना है, क्योंकि बेसिक सिद्धांत यदि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में है तो मेन है सीखना, सिखाना और सिखाने वाला बनाना। तो आप जितने ज्यादा लोगों को सिखाने वाला अपने टीम में बनाएंगे, उतना ज्यादा आपके सिखाने वाले आएंगे और आपका इंडस्ट्री ग्रो होगा, बहुत तेजी से ग्रो होगा और आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नॉलेज लीजिए,
नॉलेज अपने टीम मेंबर को दीजिए और उसे इस लायक बनाइए कि डुप्लीकेट्स जो होता है, डुप्लीकेशन का व्यापार इसे जो कहा जाता है, यानी अपने जैसे लीडर्स बनाना, यही इसका मेन सिद्धांत है। सीखना सिखाना, सिखाने वाला बनाना। चौथा इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में आपका मनी इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी सिस्टम के लिए हो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता ही पड़ता है। यदि एजुकेशन भी लेना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हर चीज के लिए इंजीनियर बनना है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दुकान डालना है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मात्र 2,250 आपका लगता है। और साथ ही साथ आपको ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो पूरी दुनिया में करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो एक मोहल्ला, एक शहर, एक राज्य, एक देश नहीं, एक पूरे वर्ल्ड में करने की आपको आठ टेरिस्ट कंट्री को छोड़कर फ्रीडम मिलता है। इन्वेस्टमेंट में आपने मनी किए, साथ ही साथ टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। जो आप अपने परिवार के साथ किसी से बिताना चाहते थे, उसके लिए आप बाहर जाकर के बिजनेस करते हैं, फील्ड करते हैं और उसके साथ कमिटमेंट के साथ रहते हैं, तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद में डिवोशन आपका इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जो त्याग आप करते हैं, परिवार सुख से वंचित होते हैं, पास होते हैं और इसमें लगाते हैं, वो डिवोशन आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाकर के आप जो है सक्सेस यहाँ पर पाते हैं साथियों। और इसके अलावा जो आपको जरूरत पड़ता है ये सक्सेस पाने के लिए किसी भी चीज में, पहली बात तो आपका माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंडसेट इसमें नहीं रहेगा, प्लानिंग नहीं रहेगा, तब तक आप जो है यहाँ पर कुछ पा नहीं सकते। इसलिए माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए कि आप यहाँ पर कितना पाना चाहते हैं, कितना समय में पाना चाहते हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। कौन सा रैंक आपको कितना जल्दी पाना है, माइंडसेट में आपके रहना चाहिए। व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, घर, कार, बंगला, सब आपके माइंडसेट में ये सब रहता है। तो ये माइंडसेट में हमको कितना कितना समय में इसके रहना। गोल सेट, आपका गोल सेट भी मैंने कमिटमेंट आप करना है, संकल्प लेना है गोल सेट में। और गोल, आप किस रैंक को कितना समय में हासिल करना चाहते हैं, कितना टीम मेंबर को कितना समय में लेना चाहते हैं, ये आपका गोल सेट होना चाहिए, यानी किस रैंक को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और एक क्लियर आपकी मीटिंग का भी हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा टाइम सेट, टाइम आपका वेस्ट भी होता है, इन्वेस्ट भी होता है। यदि आप टीवी देख करके या जो वेस्ट होने वाले टाइम को या यूटिलाइज कर देते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उस टाइम को आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए या टाइम सेट करिए, कितना समय में आप इसे पा सकते हैं उसको हमेशा लिखिए, अपने पेन एंड डायरी में लिखिए, किस रैंक को कितना समय हासिल करना चाहते हैं, कितने डायरेक्ट आप कितना समय बनाना चाहते हैं, उस डायरेक्ट के कितने लोग कितना समय में लाना चाहते हैं, इसे आपका पूरा पूरा क्लियर पिक्चर आपके पास में होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और गोल सेट में आपकी संगति बहुत बहुत जरूरी है। संगति यानी जिनके साथ आप संगत करेंगे वैसा आप बनते हैं। यदि आप अच्छे व्यक्ति, सफल व्यक्ति के साथ संगत करेंगे तो आप हमेशा सफल बनेंगे बनेंगे, और आप दो जहाँ पर चलने वाले की संगति करेंगे तो आप सफल कभी नहीं बन सकते। फोकस हमेशा हमारा होना ही चाहिए हर चीज में, और फोकस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लानिंग का हिस्सा फोकस है ही, और हम किस प्लान में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसकी भी हमें पूरी पूरी तरह से जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सक्सेस कैसे पाया जाए, तो आपकी सक्सेस की रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, तो हाउ टू सक्सेस, सक्सेस कैसे होया जाए, तो इसके लिए हमें डेली माइंडसेट करना है कि 5 व्यक्ति को डेली हमें प्लान बताना है। सो द प्लान, 5 व्यक्ति को हमें बताना ही बताना है डेली। रात को माइंडसेट कर लेना उनके साथ किस किस को बताना है, और हर दिन यदि हम 5 व्यक्ति का कॉन्टेक्ट यानी टारगेट ले लेंगे, 100% गारंटी से कहता हूँ कि 3 व्यक्ति तो कहीं जाएंगे ही नहीं जाएंगे, खुलना ही है उनका अकाउंट, लेकिन हम बताते ही नहीं किसी को। हम एंजॉय करते
खाली टीम मीटिंग में आके, जूम मीटिंग में आके, गूगल मीटिंग में आकर के और सीख करे चले जाते हैं, लेकिन किसी के पर कोई टारगेट करते ही नहीं है, जबकि दुनिया पूरी खाली है। हमारे यहाँ पर 30 लाख के एरिया अकाउंट की बात किया जाए, 30 लाख से आप देखेंगे 40% डमी आईडी है। कितना हुआ? 12 लाख निकल गया, 18 लाख आपकी एक्टिव आईडी है। और 18 लाख में भी यदि एक घर से बात किया जाए तो 4 से 5 अकाउंट खुलते हैं, 4 से 5 अकाउंट एक घर से है। मतलब यहाँ पर 3.5 से 4 लाख की एक्टिव आईडी है, और इन 4 लाख लोगों में भी 10% लोग ही इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और उनमें से भी 1% लोग खाली काम करते हैं, तो कहां से ऑटो खुलाएगा? जब ये परसेंटेज रेशो हर किसी का पड़ता चला जाएगा तो कोई मजाल नहीं कि हमारा ऑटो पुल जो है 1.5 साल लगे वो 3 महीना 4 महीना में 100% आएगा ही आएगा। हमारे बीच से कई लोग जो है प्लान तो हम करते हैं, प्लान करके उसको छोड़ ही देते हैं, हमारा अकाउंट खुल गया उसे ध्यान देते ही नहीं है, भूल जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति 2250 को भूलने के लिए कितना समय लगता है? कोई ज्यादा समय लगता ही नहीं। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि उसे हम 10 दिन तक कंटिन्यू फॉलो करना है, उसे वीडियो अच्छे अच्छे भेजना है, जूम मीटिंग में कॉल कर करके बुलाना है, क्योंकि सिखाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। यदि वो सीख जाता है तो आपको एक लीडर्स मिल जाता है, एक आपकी इंडस्ट्री वहां से खड़ी हो जाती है। तो उसको 10 दिन तक फॉलोअप करना है और उसे मीटिंग में इन्वाइट करना है, उसके जो भी डाउट्स होते हैं उन हर किसी डाउट्स को हमें पूरा दूर करना है, तब जाकर के हम हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर उनसे फील्ड ट्रेनिंग से लेकर के हर अपलाइन की भी कर्तव्य बहुत जरूरी है कि हर किसी को यदि सक्सेस होना है तो अपलाइन को सानिध्य में लेकर के चलना है। अपलाइन कैसा बनना है? अपलाइन हो गेहूं की जैसा बनना है, जो जमीन में कितना संघर्ष झेलता है, जमीन में मिलता है, वहां की बारिश से लेकर के तूफान से लेकर के हवा से लेकर के हर चीज को झेलता है, और तब जाकर के जो है एक अपना ब्रांच, एक शाखा वो उठता है और साथ ही साथ अपने कई ब्रांच को लेकर के आता है। तो ऐसा उस गेहूं की तरह हमें बनना है तो पर्लवाइन रूपी इसमें भी हमें पूरी तरह से रचना बसना सब चीज जो है रग रग में पर्लवाइन यदि शामिल रहेगा आपके तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी कई लोगों को ईगो नहीं सता है, सोचते हैं कि हमने यहाँ पर पा लिया, बहुत बड़ा चीज पा लिया है, अब अपने अपलाइन का केयर ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ये सत्य है 100% कि पेरेंट्स को यदि हम भूल जाते हैं तो कब हमारे न्यू जो है खिसक जाती पता भी नहीं चलता, ये हर किसी को पता है। तो उसी तरह से जिसने हमें रचाया बसाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और काबिल बनाया, तो उस काबिलियत को, उसके जो कर्तव्य यदि वो हमें नहीं लाता, वो हमें मार्गदर्शक नहीं करता, तो कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और लाइफ लाइन हमारा कर्तव्य यह है, कई लोग है हमारे बीच में, कई लीडर्स लोग ऐसे ऐसे हैं कि इधर झांकना उधर झांकना का काम जरूर करते हैं, जबकि इतना बड़ा इंडस्ट्री उन्हें मिला है। और पर्लवाइन ने सीधा सीधा क्लियर क्लियर कहा है कि 8 लेवल आपका है, 8 लेवल में आप कितनी बड़ी टीम सजा सकते हैं ये आपके ऊपर है, फ्रीडम आपके पास में है, एक समुन्द्र ओपन कर दिया है आपके पास में कि आपको कितना लेकर जाना, एक बकेट लेकर के जाना, एक ऑटो भर के लेकर जाना है, एक ट्रक भर के लेकर जाना, जैसे हमारी मनीषा पटेल मैडम बहुत अच्छे समझाती है, ये हमारे ऊपर है। एक ओपन चेक आपके पास में है, इस चेक को कितना आपको लेना है, कितना समय में लेना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करके रखा है।
इसके लिए बहुत जरूरी है आत्मविश्वास। एक स्टोरी है कि एक बिजनेसमैन एक व्यापार करता है और व्यापार में उसे लॉस होता है और उस लॉस की वजह से वो उसे बंद करना चाहता है। ऐसा अपने एक सक्सेसफुल जो उसका मित्र था उसके साथ जिक्र करता है। उस मित्र ने उसे एक गाइडलाइन देता है कि भाई आप इसे बंद ना करें, मैं आपको इसकी भरपाई के लिए एक पैसा देता हूं, तो 5 करोड़ उसे चेक देता है, बैकअप मनी जिसे कहा जाता है। लेकिन इस बीच में इस बिजनेसमैन को होश आता है, अरे सर ने मेरे मित्र ने जो पैसा दिया है क्यों ना मैं इसे बैकअप मनी के रूप में रखूं। यानी उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है, यदि कभी भी इंडस्ट्री में कुछ घाटा भी हुआ तो मेरे पास में एक पैसा है, मेरे पास एक बैकअप मनी है जिसे मैं सवार लूंगा, सजा लूंगा। और वहां पर उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उस आत्मविश्वास के बढ़ जाने की वजह से जो है वो अपने लेबर के पास जाता है, अपने जो टीम मेंबर्स है उनके पास जाता है, उनको आत्मविश्वास दिलाता है कि हमारी कंपनी ऐसे ऐसे लॉस में जा रही है, इसे हमें उभारना है, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो हर कोई जो है उसे साथ देने के लिए एग्री हो जाता है और जो है जो 8 घंटा काम करते थे वहां कोई 12 घंटे 10 घंटे कोई 14 घंटे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देते हैं और 1 साल के अंदर अंदर वो सफलता की सीढ़ी चढ़ चुका होता है। और वहां पर एनिवर्सरी जब मनाता है तब उसका मित्र आता है, उसे बड़े बड़े टेंडर मिलते हैं, वो सब पूरा करते हैं और वहां पर उसका मित्र आता है और बाकायदा उस मित्र का वो सम्मान करता है, जो उसे सपोर्ट करता है और स्वागत सत्कार करके उसका चेक उसे देता है। और वहां से इसलिए सक्सेस जो है ऐसे पाती है, इसमें मेन रोल होता है आत्मविश्वास का। हमारा आत्मविश्वास हमें बिजनेस में आगे बढ़ाता है। यदि हमारा आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो हम किसी के पास डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है साथियों, बहुत बड़ा रोल है। किसी भी सिस्टम को आत्मविश्वास आएगा कैसे, जब इसकी आप बारीकी बारीकी को जानेंगे, इसके इसमें कोई अपने जितने भी डाउट्स है हर डाउट्स को आप पूरा करेंगे, एक्टिव अपलाइन के सानिध्य में रहेंगे, हमेशा चर्चा करते रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। अपनी लाइफ लाइन के साथ में हमें डेली बात करना है, वो काम हम करते ही नहीं है। जूम मीटिंग में हमें इन्वाइट करना है जिससे हमारा टीम बढ़ने वाला है, हमारा इंडस्ट्री ग्रो होने वाला है, लेकिन हम हमारे जूम मीटिंग में हम हमारे लाइफ लाइन को ही नहीं बुलाते, हमारे टीम मेंबर को ही नहीं बुलाते, खाली ग्रुप में व्हाट्सएप कर देते हैं, वो आते रहेगा करके सोचते हैं। अपने कितने लोग अपने जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं इसे भी नहीं देखते हैं। और जब तक जो लीडर अपने टीम मीटिंग में कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, उसे नहीं ध्यान देगा और नहीं पूछेगा भाई आप आए क्या प्रॉब्लम है, उनसे नहीं पूछेगा क्यों नहीं आए करके, तब तक वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। अभी यदि हमारी बात किया जाए तो हम अभी जो है 6 के मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं और 6 का मैट्रिक्स अपनाने का कारण भी क्या है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये हमने 20 का मैट्रिक्स स्टार्ट किया जिसमें 60,000 करोड़ का प्रोजेक्शन किया, लेकिन 60,000 करोड़ कभी किसी को हजम हुआ नहीं, क्योंकि लोगों ने 1 करोड़ ही नहीं देखा, 1 करोड़ का सपना ही नहीं देखा, तो 60,000 कहां से हजम होगा। 20 लोग कहने थे अरे बाप रे कहां जाता है। हमने 10 का मैट्रिक्स देखा, 10 का मैट्रिक्स देखा जिसमें भी हमारे बीच में कितने लोग हैं करने वाले और कितने लोगों ने किया। 10 का मैट्रिक्स में 2-4 को कुछ गिने चुने लीडर को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी 10 के टीम को फॉलो नहीं किया। लेकिन 6 का मैट्रिक्स मैं देख रहा हूं हमारे टीम में भी जब से हमने स्टार्ट किया एक एक हफ्ते में भी नहीं एक एक दिन में 6-6 लोग लेकर के आ जा रहे हैं लोग बाग, और वीकली एक आदमी एक अकाउंट वीकली एक अकाउंट के पीछे हमें 12 महीने में 18 करोड़ का इनकम होता है। 12 महीने में 18 करोड़ 89 लाख का इनकम होता है
मात्र मात्र टीम परफॉर्मेंस के रूप में। टीम परफॉर्मेंस इनकम जैसा कि आप लोगों ने देखा है 10 के मैट्रिक्स में 1041 करोड़ का इनकम होता है, लेकिन यहाँ पर 6 के मैट्रिक्स में इसलिए भी इस लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे खून में रचा बसता है। क्योंकि आप IMC देखिए, वेस्टी देखिए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखिए, हर चीज में 6 का मैट्रिक्स ही होता है और इसे लोग इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसका बिजनेस जो है चौथर पर बढ़ रहा है। आज की डिमांड है आप पर्ल से पहले अकाउंट लगाइए और उसके बाद में 6 लोग जैसे आते हैं वैसा ही अगेट करवा दीजिए और धीरे धीरे करके जो है आपका टीम 6 के मैट्रिक्स में हर किसी को 6-6 लोग लाने के लिए कहिए। 1.5 महीने का समय होता है, 6 वीक का 6 अकाउंट, यानी 1.5 महीने में 6 अकाउंट खुलते हैं और उसी तरह से नेक्स्ट 1.5 महीने में 6 अकाउंट यानी 36 लोग, नेक्स्ट 1.5 महीने 36 लोग यानी 216 लोग, नेक्स्ट 1.5 महीने में 1296 लोग, नेक्स्ट 1.5 महीने 7776 लोग, नेक्स्ट 1.5 महीने 46656 लोग जाते हैं और नेक्स्ट 1.5 महीने में 2,79,936 लोग हो चुके हैं और नेक्स्ट 1.5 महीने यानी 12वां महीने में जो आपके 16,79,616 लोग होते हैं साथियों। तो इस तरह से 20,15,538 अकाउंट खुलते हैं और आप लोगों के पास में चार्ट इसका होगा ही, हर बार ग्रुप में डाला गया है। तो 6 के मैट्रिक्स में इनकम जो होता है डॉलर का इनकम वो होता है 25,19,422 और जो आपका DP अर्निंग होता है अमाउंट INR में जो होता है 18,89,89 लाख होता है 56,687 रुपया होता है साथियों। तो यहाँ पर ये खाली 18,89,00,000 कमाने का सिस्टम नहीं है, यदि 100% यहाँ हम सक्सेस होते तो 18,89,00,000 आएगा ही आएगा, यदि 10% भी यहाँ पर सक्सेस होते तो 2 करोड़ हमारा कहीं नहीं गया। और एक बात मैं कहूंगा यहाँ पर कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक फाउंडेशन है, ये उस 600 करोड़ का फाउंडेशन है, उसकी इमारत हम लिखते हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर में आना है 600 करोड़ का इनकम, वो होता है अगेट से $1 मतलब 15 करोड़ का इनकम, एमएच यूनाइट से $2 2 DP मतलब 30 करोड़ का इनकम, अंबर से आपको 5 DP आता है 75 करोड़ का इनकम, बैरिल से आपको 10 DP आता है 150-150 करोड़ का इनकम और एक्सेलसियर से आपको आता है यानी 20 DP होता है 300 करोड़, यानी इस तरह से 600 करोड़ का इनकम आपको सेम टीम से मिलता है। तो टीम बनाने में हमारा फोकस करना है पूरी तरह से। तो ये 600 करोड़ से आप सोच सकते हैं कि 10% भी आप सक्सेस हो तो 60 करोड़ कितना करोड़ आएगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये मात्र 18,89,00,000 पर लिखे अकाउंट से ही आता है। यदि मैं नौकरी की मेरी बात करूं पूरा, यदि मैं इंजीनियर हूँ पूरा सर्विस 30-35 साल करूं लेकिन मैंने कभी करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर यदि हम 10% भी सफल होते हैं मात्र पर लिखे अकाउंट से भी टीम बनाते हैं तो 2 करोड़ कहीं नहीं गया। और ये ओनली फाउंडेशन है और इससे कितना बड़ा बड़ा इनकम आएगा आप तो सोच सकते हैं। गुणान जैसे मैंने कहा 600 करोड़ अपग्रेड इनकम से कितना कितना करोड़ आएगा उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। रॉयल्टी सिस्टम ने अभी डिक्लेयर कर दिया है, दिसंबर मंथ से रॉयल्टी देने की बात कही है। तो इसका लेट होने का भी कारण क्या है ये भी मैं जरूर थोड़ा सा बहुत बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमें मिला फॉर्चून वॉलेट जिसे सिस्टम ने दिया नहीं था, सिस्टम ने अनाउंसमेंट नहीं किया था लेकिन हमें बोनस में दे दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने रॉयल्टी का डिक्लेयर किया, रॉयल्टी अनाउंसमेंट किया लेकिन देख रहा है कि माहौल खराब होते चला जा रहा है और लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सिस्टम भी अपने रॉयल्टी को बढ़ाता चला गया और जब रॉयल्टी ने लॉकडाउन ओपन होने की संभावना पूरी तरह से है उस पीरियड में सिस्टम ने अनाउंसमेंट कर दिया दिसंबर से देने। और ये रॉयल्टी कैसे आएगा? ये टीम परफॉर्मेंस बेस रॉयल्टी रहेगा। कैसा रहेगा? टीम परफॉर्मेंस बेस मतलब आपका परफॉर्मेंस कितना होगा उसके आधार पर आपको रॉयल्टी मिलेगा और ये बहुत अच्छा किया नहीं तो यह इन्वेस्टमेंट बढ़ता और लायबिलिटी जो है बढ़ते चली जाती है। लेकिन जो यहां पर एक ऑटो पुल की मैं बात करूंगा,
ऑटो पुल क्या है? कई लोग कहते हैं कि यार ऑटो पुल नहीं आ रहा, ऑटो पुल नहीं आ रहा, ऑटो पुल नहीं आ रहा करके कहते हैं। कई लोग ऑटो पुल आएगा तब मैं काम करूंगा सोचते हैं। लेकिन हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जिनका हमारे अपलाइन का जिसके सानिध्य में हम है, ऐसे ऐसे अपलाइन लोग हैं जिन्होंने एक एक साल दो दो साल के पीरियड में करोड़ करोड़ रुपए कमाए हैं। पहले तो हम खाली दूसरों का चेक दिखाते थे, जो कौन दिल्ली में बैठा कौन मुंबई में बैठा उनका, और बिजनेस करते थे। आज के डेट में जो हमारे सानिध्य में है, जिसे हम जानते हैं पहचानते हैं, ऐसे लोगों की सक्सेस होने के बावजूद भी हम यहाँ पर विश्वास नहीं करके आगे बढ़ते हैं। तो आत्मविश्वास के साथ बढ़िए, उनको आया है, वो सफल हुए तो हम भी सफल हो गए 100% निश्चित है। और जैसे जैसे लोगों को काम सिखाते चले जाएंगे, लोग अपने अपने लेवल पे काम करते चले जाएंगे, लोगों का परसेंटेज रेशो बढ़ता चला जाएगा और बहुत बड़ा इनकम जो है हमें यहाँ से भी मिलेगा। तो ऑटो पुल क्या है? एक ग्लोबल वर्किंग का एक इंसेंटिव जिसे हम अपना इनकम मान कर चल रहे हैं। हमारा इनकम यहाँ पर क्या है? रेफरल इनकम है, टीम परफॉर्मेंस इनकम है, अपग्रेड इनकम है, रॉयल्टी जितना भी है जब भी दे, रॉयल्टी से हमारा पेट भरने वाला नहीं, हमारा घर चलने वाला नहीं, रॉयल्टी आपको अपना यदि वजूद बनाना है तो आपको टीम बनाना है, टीम को सानिध्य में लेना है, टीम के साथ वर्क करना है, उसका डेवलपमेंट के पर ध्यान देना है, हमारी लाइफलाइन कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही उसको देखना है। और जब वो कमाने लग जाएंगी तो आप भी ऑटोमेटिक कमाने लग जाएंगे, यही इसका आधार है। तीन लेवल तक एटलीस्ट, कम से कम 3 से 4 लेवल तक का हमें हर कोई यदि 3 लेवल तक यदि 6 के मैट्रिक्स में अपनी जिम्मेदारी ले ले, 6, 36, 216 इसका अपने डायरी में मेंटेन करे और उनको सानिध्य में रहे, उनको 216 बनाने की हर किसी की जिम्मेदारी ले ले और उसमें ऑफर भी दीजिए, टूर भी दीजिए, अपने अपने लेवल पे टूर तैयार करिए, 3 अपलाइन से पैसा लीजिए, $30-$30 $190 होता है, आराम से एक टूर 7,000 में बनता है। तो टूर दीजिए, हर कोई जिम्मेदारी लेगा तो अपने आप 8 लेवल में आपके इस पूरा लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा और 18,89,00,000 रुपए आपको कमाने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा काम ये हमें करना है, जो भी हमारी डीपी लाइफलाइन कमाती है, किसी ने डायरेक्ट रेफर लेके आया तो उसका डीपी जो है तुरंत हमें ले करके उसे पैसा दे देना है, या उसके जो 2 मेंबर आते हैं उनके बीच में उसी डीपी को खपा करके उसको पूरा पैसा दे देना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसे पैसा आता है करके लगेगा और वो काम को आगे लेकर के चलेगा, ठीक है। तो सिस्टम यहाँ पर पावरफुल है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे काम करना है, कितना समय में हमें यहाँ से पैसा लेना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनाना है। और कई लोग सोचते हैं कि इसकी मंदी के, क्योंकि स्ट्रगल डाउनफॉल हर सिस्टम का आना चाहिए, मैंने जितना माना है जितना जाना है, यदि किसी सिस्टम का डाउनफॉल आता है, किसी इंडस्ट्री का डाउनफॉल आता है तो उससे वो इंडस्ट्री और मजबूत होती है, लोग और मजबूत होते हैं। और मैं तो एक ऐसा बंदा हूं जो फेल्यूर से सीखता हूं और मजबूत होता हूं और फेल्यूर को सीढ़ी बनाता हूं और उसी को एक सीढ़ी बना के सफल होता हूं। तो उसी तरह से हर कोई जो है यहाँ पर सफल बन सकता है, फेल्यूर से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, फेल्यूर पार्ट ऑफ द जो है लाइफ का हिस्सा है, और फेल्यूर नहीं होगे तो सफल भी नहीं होगे। इसलिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो फेल्यूर से गुजरना पड़ता है, और जिनको सफलता डायरेक्टली मिल जाती है तो उसका वो एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। और किसी भी सिस्टम को करना है तो एंजॉय करिए, बोझ लेकर के नहीं चलना है, एंजॉय करिए। पर्लोइन एक पावरफुल सिस्टम हमें मिला है, एक पावरफुल बिजनेस मिला है, उसे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लोगों के पास में लेकर के जाए, लोग सिंपल तरीके से बताए और पूरा गांव गांव घर घर जो है पर्लोइन का एक कॉन्प्लेक्स, और मैंने पर्लोइन का जो है उद्धार जो है करे और खुद का उद्धार करे, समाज का उद्धार करे और अपने राज्य का उद्धार करे और देश का उद्धार करे। बेरोजगारी हर जगह है, काम हर जगह करना पड़ता है साथियों, दुकानदार 20 लाख 50 लाख लगाता है
इन काम करने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठता है, 12-12 घंटे समय देता है, तब जाकर के 3 से 5 साल वेटिंग करता है, तब जाकर के वो सफल होता है। और यदि नौकरी पैसा की बात किया जाए, बिना यदि मैं इंजीनियर हूँ, मैं यदि ड्यूटी नहीं जाऊँगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए भले मैंने कितना एजुकेशन लिया, सब चीज लिया, लेकिन फिर भी मुझे जो है पैसा काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके मुझे पैसा मिलेगा। यदि डॉक्टर की बात किया जाए, डॉक्टर लोगों भी काम करना पड़ता, आप देखिए ये ऐसा पैसा है, डॉक्टर जब तक है तब तक पैसा ही पैसा है, और डॉक्टर कुछ हो गया तो भी फैमिली सड़क पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ऐसा बिजनेस है परलॉयन, यहाँ पर आपको कुछ हो गया, उनको कुछ हो गया तो हमारा अकाउंट परमानेंट खुला है, हमारे फैमिली को यहाँ से कुछ ना कुछ योगदान मिलता चला जाएगा, जो यहाँ पर हमने उपज किए है हर दिन कुछ ना कुछ डीपी आता चला जाएगा, अकाउंट खुलते चले जाएंगे जिसे हमने बनाया है। तो ऐसा ये सिक्योर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सोते हुए पैसा आपको आता है, चलते हुए पैसा आपको आता है, और मीटिंग लेते हुए पैसा आपको आता है, हर समय पैसा ही पैसा आता है। तो ऐसा सिस्टम को हमने अपनाया है, इसके अंग है, तो जहाँ पर हमें सफल हो गए 100% हो गए इससे। और ये भी बात मैं बोल दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि 2020 में एक रिवोल्यूशन आया है, और जो भी इसे अपना करके एक ही पथ पे चलता रहेगा 2025 तक हमारे बीच में जितने भी लोग आए हैं सब के सब करोड़पति अरबपति हो गए ही हो गए। इतना ही मैं कहूँगा।